जी, तो आज जो है मैं गोभी काटने के लिए आई हुई हूँ और जो है कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गोभी किस तरह से काटते हैं, ये देख सकते हैं सारी गोभी कटी हुई है। इसके अंदर देख सकते हैं ये फूलों के अंदर जो है ना ये गोभी है, ये देखें माशाल्लाह से। इस तरह से इसको उठाया और ये यूँ मारते हैं, ये इस तरह से। और ये हमारे घर के करीब ही हो रहा था, ये देखें जी इसके अंदर ये फूल जो है ना माशाल्लाह से कितना बड़ा हो रहा है, ये देखें। और इसकी कटाई करते हैं अब, तो इस तरह से इसका जो है ना ये ढूंढ रही थी मैं, इस तरह से ये गोभी का फूल जो है ना ये निकल गया। ये माशाल्लाह से इस तरह से होती है ये गोभी। तो इसको जो मैं रखती हूँ और जो है दूसरी काटती हूँ, ये देखिए ये वाला, ये इस तरह से चल ले। इसको भी ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यार बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने सम्मान में रखे जी। तो आज का व्लॉग जो है ना शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। और आप सबने क्लिप जो देख ली होंगे, मैं आज गई थी गोभी की तोड़ाई करने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना आप सबके साथ जो है ना शेयर किया जाए कि पाकिस्तान में जो है ना गोभी किस तरह से काटी जाती है। और जो है ना ताज़ा और फ्रेश जो है ना गोभी खाने का मेरा दिल कर रहा था, तो यहीं पर करीब ही हमारे यहाँ पर जो है ना गोभी की जो है ना कटाई हो रही थी। मैंने कहा क्यों ना मैं जाऊँ आप सबके साथ भी शेयर करूँ और ताज़ा गोभी भी लेकर आऊँ, और ताज़ा गोभी जो है ना वो बनाते हैं, खाने में भी बहुत मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं। और सबसे अहम बात यह कि शाम जो है ना आज मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आई हैं, देखिए जी मैंने ये तीन तीन जो है ना ये पहन ली हैं, ये तीन चूड़ियाँ इसमें, तीन चूड़ियाँ इसमें पहननी हैं। तो ये ज़रूर आपने बताना है कि कैसी लग रही हैं ये एहतशाम की पसंद की, और लेकर भी ये आएँ। और अभी मैंने इसको जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना साबुन से जो है ना चढ़ाया है इसको, लेकिन ये आ गई हैं आसानी से, ये बिल्कुल ठीक है ना। आपको कैसे पता था कि यही आएँगी चूड़ियाँ? मुझे नहीं पता होगा। तो ये कि है ना काफ़ी सारे कमेंट आते थे चूड़ियों के लिए ना दुआ चूड़ियाँ ज़रूर पहना करें आप, तो बस ये कि आप पहन लें इंशाल्लाह जो है ना अब नहीं उतारेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो भी, बल्कि शाम जो है ना ये भी लेकर आए सर्फ और साबुन भी, खुला सर्फ इस्तेमाल करते हैं, मैंने साबुन का कहा था और सर्फ का कहा था, शाम जो है ना लेकर आ गए मुँह धोने वाला भी साबुन, और ये भी, ये बहुत अच्छा किया कि आप भूलें नहीं, वरना तो जब भी देखो ना बस भूल जाते हैं आप। तो गोभी दिखाती हूँ मैं आपको, फ्रेश गोभी जो है ना तोड़िए, ये तो बनाते हैं गोभी, ये देखिए जी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश, देखें जी। तो इसके पत्ते वगैरह जो है ना मैंने तोड़ दिए, इसके मैंने कहा क्या वजन है इसका, उधर ही मैंने तोड़ के वो पत्ते जो है ना फेंक दिए थे, गोभी जो है ना एक फूल मैंने उठाया, और इंशाल्लाह जो है ना ये लजीज बनेगी क्योंकि फ्रेश है ना ये। तो आज जो है ना गोभी आलू बनाते हैं, और मैं जो है ना छुरी उठा लेती हूँ, गोभी आलू बनाते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए आने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अब जो है ना गोभी को काटते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ताज़ा सब्जी है ना उसकी तो बात ही अलग होती है, ये देखिए कितना फ्रेश फूल है ये, और ये इतना अच्छा मिलता नहीं है सब्जी वाले से, ये इसको जो है मैं तोड़ लेती हूँ, पहले देख लेती हूँ, वैसे तो साफ ही है, फिर जो है ना इसको मैं काट लेती हूँ। मैंने काट ली है और अब इसको जो है धो लेती हूँ, पहले जो है गोभी को धो लेते हैं। तो मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ,
सब चीज़ों को जो है मैंने साथ में काट लिया है और इसको जो है ना मैं धो रही हूँ, बस काटती जाऊँगी और जो है बनाती जाऊँगी। सामान जो है मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है, चूल्हा भी जो है मैंने जला लिया है, सब्जी वगैरह सब कुछ मैंने साथ में काट लिया है, बस सब जो है ना बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। और मुझे भूख भी जो है ना इतनी तेज की लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बस अभी ये जो घी डालती हूँ इसमें, बिल्ली हमारी आ गई है। बिल्ली का नाम जैसे ही लेती हूँ ना उसे पता चल जाता है मेरी वीडियो बन रही है, तो जल्दी से भागो यहाँ से, तो भाग जाती है। सर्दियों में जो है घी जम जाता है और गर्मियों में जो है ना पिघल जाता है। सब ये जो है प्याज में काट ली जाती है। बिस्मिल्लाह। ये आग निकल रही है इसकी वजह से चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं और फिर हाथ जलने लग जाता है। थोड़ा सा मैं खड़े होकर जो है ना प्याज काट लेती हूँ। प्याज का कलर जो है चेंज हो गया और अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और साथ में जो है अदरक लहसुन भी। और अब थोड़ा सा पानी जो है इसको ऐड कर देती हूँ। और अब इसमें जो है आलू और हरी मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ, ये नए आलू है, नए आलू है और ताज़ी फ्रेश गोभी है माशाल्लाह से, तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी सालन बनने वाला है। मैंने इसमें जो है टमाटर भी ऐड कर दिए और अब इसमें जो है मैं मिर्च और मसाले जो है वो ऐड करती हूँ। लाल मिर्च 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच और हल्दी 1/2 चम्मच। तो अजान जो है आगे, अजान को जो है चाचू लेकर आए, तो माशाल्लाह से अजान ने क्या बनाया है देख लीजिए। क्या है ये? फ्लावर वाला फैन है ये देखिए, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये लो बेटा, बहुत प्यारा। क्या खाया है? मुँह पे लगा हुआ क्या लगाया? क्या खाया? गोलगप्पे खाए। कब? किसने खिलाया? चाचू ने खिलाया। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। चाचू ने कहा कि इतना प्यारा बना है फिर मैं खिलाया। अच्छा, चाचू ने कहा ये प्यारा बना है इसलिए चाचू ने गोलगप्पे खिलाए। वाह, ऊंचा बोला कर यार ना, ऊंचा जोर से बोला करो ना आप। इतना सिलो के मतलब कपड़े निकले, मैं आपके कपड़े चेंज कर लो, बस खाना तैयार है बिल्कुल। तो नमाज हो गई थी, अजान का टाइम हो गया था मगरिब की, तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ने लग गई। सालन जो है ना उधर ही रह गया और बस अब इसका जो है ना पानी खुश्क होता है जैसे, फिर जो है मैं ये हरा धनिया जो है ना ये जो है ना ये काट लेती हूँ, बस ये ऐड कर देती हूँ, फिर इसके बाद तैयार है। इसके बाद रोटी बनाते हैं और खाना खाते हैं। गोलगप्पे खा के भूख लगी? लगी है। अब अजान को जो है खाना दे देती हूँ क्योंकि लग रही है अजान को भूख। तो माशाल्लाह गोभी की खुशबू बहुत ही यम्मी और टेस्टी आ रही है। सरमद भाई और शाम को जो है मैं साथ दे देती हूँ और अजान को जो है ना अलग दे देती हूँ। खाना खाओ। अजान के कहने पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो हमारे चैनल पे नए आने वाले तो इसको कहना जो है ना नहीं आ रहे कैसे हमारे जो चैनल पर किस तरह से अजीब तरीके से कहता है, तो
तो बस ये कि जिस मेरे प्यारे बहन भाई ने खाना खाना है तो आप आ सकते हैं हमारे साथ खाना खा सकते हैं। तो आज माशाल्लाह से जो है ना ताज़ा और फ्रेश जो है ना गोभी का सालन जो है आप सबके साथ मैंने शेयर किया है और गोभी की कटाई भी शेयर की। आप सबको कैसी लगी अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आज की उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।